Subscribe and click the bell icon for all the television updates. बेहद से तो बिल्कुल डिफरेंट है एंड द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इट्स कॉल्ड अबुल फजल का रोल मैं कर रहा हूँ. बहुत कम लोगों ने या ये कहना चाहिए कि लोगों ने सुना नहीं इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जब भी इस कहानी का जिक्र हुआ है पहले इस कैरेक्टर का जिक्र हुआ हो या नहीं हुआ हो ये मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों तक ये कैरेक्टर पहुँचा है. तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस कैरेक्टर को इस एपिक एरा के शो में जो बन रहा है, एपिक एरा पे जो चीज़ बन रही है उसमें जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया या छुपा हुआ था उसको मैं लेकर आ रहा हूँ, उसको मैं परफॉर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है. अच्छा, जब भी कोई ऐसा शो किया जाता है बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की जाती है कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि ऑडियंस हमेशा इस सारी चीज़ों का ध्यान रखती है. आपने कितना ज़्यादा ध्यान रखा, कितनी ज़्यादा स्टडीज़ की है? सबसे पहले तो लैंग्वेज की बात थी. उर्दू मेरी वैसे भी कोई इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. तो मैंने उर्दू की कुछ बुक खरीदी, उनको दिन रात रीड करके वो जो लफ्ज़ होते हैं उर्दू को उस ज़बान पे बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बस यू कॉन्ट जस्ट कम ऑन द सेट एंड यू नो जस्ट रीड लाइन्स एंड डू इट, जो नॉर्मली डेली सोप्स में होता है कि अरे लाइन दिखा क्या है, हाँ ऑर्डर सर. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको सुबह स्क्रिप्ट या एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिलती है, मंगाई जाती है, उसको रात भर बैठ के पढ़ा जाता है. रात भर मीन्स कि शूट से एक दिन पहले आप उसको स्क्रिप्ट को पूरा रीड करते हैं, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आप आए पढ़ा और पढ़ दिया कर दिया, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह की है. कुछ लफ्ज़ अल्फाज ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वरियाफ्त एक शब्द एक लफ्ज़ आया था पीछे एक स्क्रिप्ट में कि वरियाफ्त करके, तो वरियाफ्त मतलब पूछताछ, जो मैंने अपने किसी पिछले जन्म में भी नहीं सुना होगा ये शब्द शायद. तो ये चीज़ थी. और फिर मुझे जब ये पता लगा कि ये कैरेक्टर है तो मैंने गूगल किया ऑफ कोर्स, फिर मैंने लाइब्रेरी में जाके कुछ बुक्स खरीदी जहाँ पे पूरा इसके बारे में कहानी का जिक्र है, जहाँ पे इस कैरेक्टर के बारे में था. मैंने पढ़ा, अपीरेंस देखा कैसा अपीरेंस है. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसे वो थे पता नहीं वैसा कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं उस चीज़ को कुछ हद तक ला सकूँ. अच्छा, यहाँ पे भी प्यार दिखाया जाएगा, पर आपके लिए प्यार के मायने अब आपकी जनरेशन में क्या है? अच्छा, डू आई रियली नीड टू से दैट? अभी मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट टू से, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन अभी इट्स मोर देन लव, इट्स बिकम मोर देन मोर मनी. फिज़िकल वाला ज़्यादा चीज़ें आजकल हो गई हैं. वो जो प्यार एक ज़माने में हुआ करता था, अब पता नहीं, मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि वो जो प्यार लोग निभा जाते थे सालों तक, वो दैट वाज आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. ये सुन के मुझे बहुत लोग गालियां निकालने वाले हैं कि जो कपल कहते थे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो शायद आउट ऑफ इनसिक्योरिटी था. क्या वो सच में प्यार करते थे या क्या था, आई डोंट नो. तो वो आज तो यही है कि वो मैंने जैसे बताया कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग फिज़िकल एंड इट्स मोर अबाउट मनी एंड बिजनेस. तो प्लस हम जिस शहर में हैं वहाँ पे तो हर आदमी बस काम करने के लिए आया है अपने शहरों से, तो वो चीज़ कहीं पीछे रह गई है वो प्यार वाली. अच्छा, लास्टली फैंस को, लेकिन हाँ, ये जो शो है ये मुझे यकीन है कि ये इसमें जो मोहब्बत की दास्तान दिखाई जा रही है उससे लोगों के दिलों में प्यार जागेगा, सच्चा प्यार, और जो क्या है प्यार के बारे में लोग जानेंगे. अच्छा, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो को लेकर? यही कि मैंने पहले भी जैसा कहा कि बहुत वी वर्क रियली हार्ड ऑल ऑफ अस, whether it's colors, whether it's the production team, producer, directors, actors, technicians. हम जब जैसलमेर में शूट कर रहे थे तो इस कॉस्ट्यूम में जिसको एसी में पहन के भी आई स्वेट, मुझे पसीने आते हैं, वहाँ पे 42 डिग्रीज में हमने शूट किया. 40 डिग्री में वी वर लिटरली बॉयलिंग उबल रहे थे हम लोग वहाँ सेट पे. तो बहुत इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत मेहनत की है ये कॉस्ट्यूम के पहन के रखना, पगड़ी को पहन के रखना. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल यू नो व्हेन यू वेयर इट, बट इट्स वेरी पेनफुल एट द सेम टाइम. तो बहुत मेहनत है. सो प्लीज़ आप लोग देखें और दुआएं करें कि ये शो हिट हो. थैंक यू वेरी मच.